हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ सुनेत्रा, आपकी स्वाद की दोस्त। तो सुनेत्रा, आज हम कौन से रीजन की कौन सी रेसिपी अपने व्यूअर्स को बताने वाले हैं? श्वेता, आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की एक डिश। वैसे राजस्थान का नाम आते ही तो डिजर्ट्स और कैमल्स के बारे में हमें ध्यान में आता है, वैसे ही जब खाने की बारी आती है तो ध्यान में आता है गट्टे की सब्जी। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए गट्टे की सब्जी। आइए देखते हैं गट्टे की सब्जी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं। बेसन, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, अदरक और लहसुन, दही, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, जीरा, मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया और कुकिंग ऑयल। श्वेता, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गट्टों को। गट्टे बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी बेसन। मैं गट्टे बना रही हूँ 2 से 3 लोगों के लिए, सो आई एम यूजिंग 2 tablespoons ऑफ बेसन। इसमें हम डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी दही। अच्छा, जब भी आप गट्टे बना रहे हो दही की मात्रा धीरे धीरे करके डालें, क्योंकि दही डालते ही जो बेसन है बहुत स्टिकी सा हो जाता है। हमने इसको अभी एक अच्छे से डो बनाना है, अच्छा आटा गूंदना है, ना कि बैटर बनाना है, इसलिए हल्के हल्के हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आटा बनाने के लिए पानी का यूज़ ना करते हुए हम दही का यूज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें एक अच्छी बात यह है कि बेसन के साथ साथ दही डालने से हम इस डिश की प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब आप देख रहे हो कि जो हमारे गट्टे का मिक्सचर है थोड़ा सा लूज़ है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा और बेसन डालूँगी। और इसे हम अच्छे से भी मिला लेते हैं। श्वेता, आप देख सक रहे हो कि कितना स्टिकी सा हो गया है ये डो। करेक्ट, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं है। जी, आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से की है। सो श्वेता, हमारे जो गट्टे का मिक्सचर है वो अभी रेडी हो गया है। मैं आपको बताती हूँ अभी कि इसे कैसे हमने प्रिपेयर करना है। इसको ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में हमने बना लेना है और इसे साधे गुनगुने पानी में इसे बॉईल कर लेना है। जैसे ये बॉईल हो जाता है तो ऊपर फ्लोट होगा, उसको निकाल के आप उसे कूल होने दें। आफ्टर इट इज़ कूल्ड, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सम, ये ऐसे दिखेंगे। तो इन्हें हमने बॉईल कर लिया है, दे पार्शली कुक्ड एंड देर कोल्ड राइट ना, तो कट करके आप उसे यूज़ करें। सो श्वेता, आइए हम देखते हैं अभी गट्टे की जो ग्रेवी है हम कैसे बना रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए मैं एक हैवी बॉटम पैन ले रही हूँ, हल्का सा ऑयल यूज़ करेंगे हमारे प्याज और टमाटर को भूनने के लिए। इस सब्जी की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि गट्टा भी स्टीम्ड है और ग्रेवी में भी ज़्यादा तेल यूज़ नहीं हो रहा है, तो इट्स अ हेल्दी रेसिपी, इट्स अ लो फैट रेसिपी अगेन। इट इज़ एंड वेरी न्यूट्रिशनल, बिकॉज जो भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं जैसे प्याज, टमाटर, हम दही भी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, सो इट हैज़ लॉट्स ऑफ वाइटमिन्स टू इट, सो इट एड्स टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ योर डिश। तो अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा जीरा और राई। अच्छा, तो जीरा और राई हम एक साथ डालने वाले हैं? जी।
इनको अच्छे से स्प्लटर करने दें। जैसे ही ये स्प्लटर करेंगे थोड़ा सा, मैं डालने वाली हूँ कटा हुआ अदरक और लहसुन। उसका पेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये गट्टे की सब्जी मैं चाह रही हूँ कि बहुत ऑथेंटिक वे से बनाऊँ, इसलिए मैं इसको होल ही रख रही हूँ, इसलिए मैंने बारीक काट लिया है। मतलब इसकी ट्रेडिशनल रेसिपी में इसका प्रयोग इसी तरीके से महीन काट कर किया गया। करेक्ट। अब हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी बारीक कटा हुआ है। प्याज को कितनी देर चलाने की जरूरत पड़ेगी? हल्का सा, जब ये अपना कलर छोड़ने लग जाएगा, थोड़ा पिंक से थोड़ा वाइटिश ही हो जाएगा, तभी हम इसके अंदर रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। अच्छा, आप देख रहे हो कि जीरा, लहसुन, अदरक, उसका स्मेल काफी अच्छा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। राइट। जब तक थोड़ा ये हल्का अपना कलर छोड़ने लग जाएगा, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और फिर बाकी के मसाले। अच्छा, ये लीजिए, हमारा जो प्याज है हल्का भूरा हो चुका है, इसमें मैं अभी डालूंगी टमाटर। ग्रेवी के लिए एक प्याज एक टमाटर काफ़ी रहेगा? काफ़ी रहता है, आप चाहे तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें कितनी देर पकाना पड़ेगा जिससे टमाटर का पूरी तरह से एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए? जब ये पूरी तरह पक जाएगा तो जो टमाटर है पूरे गल जाएंगे और जो ऑयल हमने जो डाला था वो हल्का हल्का छूटने लग जाएगा, तब जाके ये जो बेस है इस ग्रेवी की वो रेडी हो जाती है। श्वेता, अभी हमारा जो टमाटो और अनियन का बेस है वो पक रहा है, मीनवाइल मैं एक और बेस बनाने वाली हूँ। इट्स अ सेकेंडरी मसाला जो हम हमारे अनियन एंड टमाटो मसाला के अंदर डालने वाले हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे दही। दही के अंदर मैं डालूँगी हमारे ड्राइड मसाले जो है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा आमचूर पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर। तो इसे हमको सबको दही में ही मिक्स करना पड़ेगा। जी, इससे एक चीज़ हो जाती है कि जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं जब हम डायरेक्ट इसको आँच में डालेंगे, और दही अगर अलग से डालते हैं तो फटने के चांसेस होते हैं, तो ये करने से जो है तो चांसेस आर रिड्यूस्ड। तो ये देखिए, दही हमारी अभी रेडी हो गई है, इसमें टमाटर भी गल चुके हैं, प्याज पूरी तरह से पक गए हैं यहाँ पे, तो अब डालेंगे हम दही। गट्टे की सब्जी की एक खास बात है कि इसमें कोई भी अक्खा मसाला या होल मसाला यूज नहीं हुए हैं, सारे पाउडर्ड मसाले हमने यूज किए हैं। अभी हमने इसे अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। आपके मसाले के कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आया है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है जो ग्रेवी ही देखेगा शायद वही टेम्प्ट हो जाए खाना खाने के लिए। तो ये देखिए, ग्रेवी अभी पकनी शुरू हो गई है। ये जैसे ही पकने लगेगी और ज़्यादा, तो जो तेल हमने यूज़ करा था वो तेल छोड़ने लग जाएगा इस ग्रेवी का, तब जाके हम इसके अंदर गट्टे डालेंगे। गट्टे की सब्जी को कॉमनली किन किन डिशों के साथ हम सर्व कर सकते हैं? इसको आप खा सकते हैं आपके रेगुलर चपाती के साथ, या फिर बाजरे की रोटी, रुमाली रोटी, नान। मैं रेकमेंड करूंगी गट्टे की सब्जी खाने के लिए विथ नाइस रोटीज, फुलके के साथ आप उसे खाइए, ढेर सारा घी लगा के, तो बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा।
क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है तो शायद बाजरा, ज्वार, मक्के की रोटी भी अच्छी लगेगी। जी, ये देखिए श्वेता, हमारा जो ग्रेवी है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो गट्टे हमने ऑलरेडी बना लिए थे उसको हम डालेंगे। गट्टे भी मिल चुके हैं इसके अंदर। इसे हमने थोड़ी देर और चलाना है ताकि जो गट्टे हैं ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर ले और थोड़ा सा नरम हो जाए। तकरीबन 2-3 मिनट की कुकिंग के बाद गट्टे नरम हो जाएंगे। जी, इसके अंदर मैं थोड़ा और पानी डालना चाहूँगी क्योंकि जो ग्रेवी है हमारी थोड़ी थिक हो गई है। तो अभी ग्रेवी जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, इसे 1-2 मिनट के लिए हम सिमर करेंगे। सो श्वेता, गट्टे की सब्जी अभी रेडी हो गई है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। सो श्वेता, हमारी गट्टे की सब्जी रेडी हो गई है, प्लीज़ इसको टेस्ट करें और बताएं कि इसका फ्लेवर कैसे आ रहा है। मैं जब तक गट्टे की सब्जी टेस्ट करती हूँ, आप रेसिपी का एक क्विक रीकैप देखिए। गट्टे की सब्जी में गट्टे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून दही, नमक स्वादानुसार। गट्टे की सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ अदरक लहसुन, 1/2 कप दही, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई के दाने, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, धनिया पत्ती और रेगुलर कुकिंग ऑयल। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून बेसन डालिए। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, स्वादानुसार नमक डालें। अब इस मिश्रण में 2 चम्मच दही डालकर इसका स्टिकी डव बना लें। हाथों की मदद से स्टोव को सिलेंड्रिकल शेप देकर सादे गुनगुने पानी में बॉइल कर लें तो पानी से बाहर निकाल कर ठंडा होने दें। फिर इसे चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट कर गट्टे बना लें। ग्रेवी बनाने के लिए एक हैवी बॉटम पैन में थोड़ा सा तेल डालें। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई डालकर भून लें। इसके बाद इसमें कटा हुआ अदरक लहसुन और बारीक कटा प्याज डालकर अच्छे से भून लें। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं, तो ऊपर से 1 बारीक कटा टमाटर डालकर धीमी आंच पर थोड़ा और भूने। 1/2 कप दही में 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, लगभग 2 चम्मच गरम मसाला और 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस दही को पैन में बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाएं, थोड़ा सा पानी डालें और ग्रेवी बना लें। इस ग्रेवी को थोड़ी देर और पकाएं। इस तैयार ग्रेवी में गट्टे के पीसेस डालकर थोड़ी देर कुक होने दें। अब इस तैयार गट्टे की सब्जी को एक ग्लास बोल में निकालकर धनिया की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। ये गट्टे की सब्जी खाने में जितनी मजेदार है, सेहत के लिए भी उतनी ही अच्छी है। गट्टे की सब्जी बहुत जल्दी मेरा मन कर रहा है मैं टेस्ट करूं। बहुत टेस्टी बनी है, इसमें एकदम राइट मैच ऑफ मसालास और फ्लेवर आ रहा है। तो व्यूअर्स, एक ट्रेडिशनल रेसिपी ट्राई कीजिए और देखिए किस तरीके से आपको एक सही कॉम्बिनेशन मिलता है हेल्थ और न्यूट्रिशन का। सो व्यूअर्स, अगली बार हमसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर ऐसे ही कुछ दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी फिट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।